सरसब्ज पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिए। जज़ाकअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपने कहीं से स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही एक एक्सपेरिमेंट करने लगा है कि क्या विंका का प्लांट, या आप देख सकते होंगे सदाबहार भी से कहते हैं आम रूटीन में, जो लोकल नेम है, सदाबहार का प्लांट पानी में ग्रो कर सकता है। ये देखें, ये पानी में इसकी जो रूट्स हैं आप देख सकते होंगे। चलो मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ। ये देखें, इसकी पानी में रूट्स हैं, तो इसको मैं पानी में ग्रो करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। ये देखें कितनी अच्छी रूट्स हैं। तो ये पानी में ऐसे रखा हुआ है, और इसे हम वहाँ रखेंगे जहाँ थोड़ी देर की धूप भी आती हो, ताकि ये फ्लावरिंग प्लांट है। तो देखते हैं इसे ऐसे ही पानी में रख कर इसको फ्लावरिंग होती है, इसकी ग्रोथ बढ़ती है कि नहीं। तो दोस्तों, आपने कहीं से वीडियो स्किप नहीं करनी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकअल्लाह। तो दोस्तों, अभी इसको रख देंगे हम थोड़ी देर उस जगह पर जहाँ थोड़ी देर की धूप भी आती हो, थोड़ी एक दो घंटे की धूप भी आती हो, और फिर हम इसको देखते हैं कितने दिन बाद इसकी ग्रोथ शुरू होती है और इसको फ्लावरिंग होती है कि नहीं। तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर वन वीक दोस्तों, एक हफ़्ता गुजर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो हमने विंका को लगाया था ना पानी में, तो दोस्तों वो देखें, ये देखें बर्ड, ये इसका जो है बर्ड निकला है, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होना शुरू हो चुकी है। तो देखें दोस्तों, हमने जो है ना एक्सपेरिमेंट किया था कि विंका पानी में उग सकती है कि नहीं। तो ये देखें आप, ये पानी ही है, इसकी रूट्स आप देख सकते होंगे। तो विंका अल्हम्दुलिल्लाह पानी में ग्रो कर सकती है। तो देखते हैं, ये अब एक हफ़्ते के बाद ये रिज़ल्ट है, तो जब फ्लावर खिलेगा तो फिर मैं आपसे मैं शेयर करूंगा। तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 9 डेज दोस्तों, 9 दिन गुजर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जो हमने विंका को पानी में लगाया था ना, वो ग्रो कर गई है। और ये देखें, इसको फ्लावरिंग भी होना शुरू हो गई है, और इसकी मज़ीद जो है मज़ीद ग्रोथ भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये न्यू न्यू बर्ड्स आ रहे हैं। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो पानी में विंका ग्रो कर सकती है, इसका जवाब है यस, ग्रो कर सकती है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह लगाया था हमने, इसकी रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना डेवलप हुई हैं, पानी में ही पड़ी, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो अभी गर्मियों नहीं, अभी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो इसका सीज़न जो है डाउन हो रहा है, तो इसको डारमेंसी पीरियड आ रहा है। तो फिर भी इसका देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो आज की मुकम्मल हो चुकी है, तो अब कर लेंगे हम आज की अच्छी बात। दोस्तों, आज की अच्छी बात ये है कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। ये हदीस पाक है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जिसका मफहूम अर्ज़ करता हूँ, सादा अल्फाज में मायने अर्ज़ करता हूँ कि जो है ना, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जैसी नीयत होगी अल्लाह ताला, वैसे ही उसका जो काम है ना, उसका जो अजर मिलेगा वो आपकी नीयत पर है। अगर आप कोई नेक अमल कर रहे हैं, तो अगर आपका नीयत ठीक नहीं है, दिखावा उसमें, तो आपको वो अमल कबूल नहीं होगा। तो दोस्तों, हर काम इस नीयत से किया जाए कि अल्लाह का हुक्म है, नबी सल्लम ने करके दिखाया हमें, और अल्लाह को राज़ी करने के जज्बे के साथ ये हर काम करेंगे ना, तो दोस्तों वो अमल कबूल होगा। तो ये अच्छी बात ही आपसे मैं शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पाकिस्तान में पौधे लगा सकते हैं, पाकिस्तान को बराबर रखे, माहौल को खुशगवार रखे। दोस्तों, मैं आपसे जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।